बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त ज़ाहिर है, मैंने कहा बरसबीले तस्करा बता दूं, मैच चल रहा है और आप ये देखें कि पाकिस्तान का मैच नहीं है लेकिन वी ऑल आर इंटरेस्टेड। वो कहते हैं कि उम्मीद अभी बाकी है। आज न्यूजीलैंड जिस तरह से खेल रहा है तो शिकस्त उनकी एक तरह से यकीनी दिखाई दे रही है। तो हम रन रेट को लेकर ना अभी हिसाब किताब सारे अपने कैलकुलेटर निकाल कर और सारे अपने हिसाब किताब में मसरूफ हैं कि जी क्या होगा, किस तरह से होगा। तो प्रोग्राम में आगे चल के हम इस मुतालिक भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के चांसेस अब क्या रह गए हैं और क्या बहुत ताखीर तो नहीं हो गई। तो ये एक तो अपनी जगह एक मामला है। दूसरा, सियासत में क्या हो रहा है, सियासत में अनसर्टेनिटी कब खत्म होगी, बिलखसूस इलेक्शन की तारीखों से मुतालिक और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मुतालिक के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे भी। एक तो इलेक्शन का इनकाद है, ये एक बड़ा सवाल है कि कब होंगे। दूसरा ये है कि क्या ऐसे इलेक्शंस होंगे जिसके नतीजे में अवाम की एक मुंतखब नुमाइंदा जमात हुकूमत में आएगी और ज़ाहिर है कि अवाम के मसाइल हल कर पाएगी, या फिर कुछ और मामला होगा। इसके ऊपर भी काफ़ी तहफ़ुज़ात हैं तो इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। दूसरा, फैज़ाबाद धरना केस का मामला है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर रिमार्क्स दिए और जिस तरीके से आज समात रही, उस मामले को भी थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले मरहले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक आपके रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं इब्तिदा में मैच का तस्करा कर रहा था तो वो होता यही है कि मैच में हर किसी का इंटरेस्ट होता है, हालांकि उम्मीदें तो बड़ी बुरी तरह हमारी टूटी, लेकिन आपकी जमात के सरबरा जो हैं वो भी अक्सर मैच वगैरह का ही तस्करा करते होते हैं और फिर नो बॉल और वाइड बॉल और अंपायर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुछ इंटरेस्ट आपका रह गया वैसे मैच में जो वर्ल्ड कप में? बहुत शुक्रिया सती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। क्रिकेट में तो हमेशा इंटरेस्ट रहा, बचपन से ही खान साहब जमाने में कप्तान थे, मियादाद साहब उनके साथ नायब कप्तान हुआ करते थे। फिर 92 का वर्ल्ड कप जिंदगी की चंद हसीन यादों में से, 92 का 25 मार्च का दिन। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है सती साहब, सच पूछें तो इसकी खुशियां सिर्फ हार ने गहनाई नहीं है, वो तो चलो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। व्हेन यू प्ले क्रिकेट यू प्ले गेम, आप या जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन खुशी उसी दिन गहना गई थी जब आपको याद होगा कोई आई थिंक हिंदुस्तान से शायद मैच था और जो इसराइल में वाकयात हुए हैं वो दर्द इतना है कि इंसान को अजीब सा फील होता है। हालांकि लाइफ मस्ट गो ऑन, जिंदगी ने जाना है, खाना पीना है, आपने सबने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, सबने अपना बिजनेस करना है, लेकिन इस दौरान जब उधर खून खून है और बच्चों की जो पिक्चर्स हैं वो उनके जो बदन कटे हुए हैं, जो बच्चे अपनी माँ की लाश के पास या माँ की गोद में उसका बच्चा या बाप बैठा चार पांच बच्चे गोद में पीछे घर तबाह, तो ये सारी चीजें देख के इंसान को अजीब सी फीलिंग होती है कि इसमें, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ यस नेशनल ड्यूटी यू हैव टू प्ले क्रिकेट, लेकिन वो माहौल बन नहीं पाया। फिर हमारी वो कम्बिनेशन भी वहां नहीं बन पाई हिंदुस्तान में, जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमें ट्रीट किया, यानी कि शुरू में तो बहुत अजीब सा माहौल था, मे बी हम वापिस ही शायद खुदा ना खास्ता आ जाते, जिस तरह उन्होंने हमारे जर्नलिस्ट को ट्रीट किया, हमारी एक बच्ची उधर गई जो हमारी जर्नलिस्ट है खातून, उसके साथ जिस तरह ट्रीट किया, तो थिंग्स वर नॉट क्लिकिंग। लेकिन स्टिल मैं एक बात करना चाहूंगा सियासी बात पे आने से पहले, जो हमेशा खान साहब ने भी हमें सिखाया है, खान साहब ने हमेशा यही बात की है हमारे कप्तान जो हैं कि आप हार तब मानते हैं जब आप एक्सेप्ट करते हैं। मैं बाबर आजम को उनसे जब हारे थे या उनको मैंने मैसेज भी किया था, लेकिन यंग हैं, हमारे स्टार हैं, प्राइड है हमारा, हमें उनका हौसला जरूर बढ़ाना चाहिए। यंग आदमी है और वो मुश्किल जगह पे एक, मैं तो लफ्ज यूज करूंगा, दुश्मन मुल्क में खेल रहे हैं, हरीफ से भी ज्यादा किस तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया है, तो इन हालात में वी नीड टू स्टैंड स्ट्रांग विद अवर बॉयज चाहे जो भी हो। बिल्कुल, वी नीड टू बट दे नीड टू प्ले एज वेल, बिकॉज बहुत जिम्मेदारी है जो उनके कंधों पे है, और उसी वजह से कि दे वर गुड इनफ, यानी कि जितना हमारी आबादी है उसमें से ये वो लोग थे, 11 लोग थे या स्क्वाड की बात करें, जो इस काबिल थे कि जाके वहां पर खेल पाते। तो एक तो चीज अपनी जगह है, दूसरा ये कि नाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड वेल, बिकॉज वो अहमदाबाद वाला वाकये के बाद अब दिल दिल पाकिस्तान की सदाएं भी वहां पर स्टेडियम्स में गूंजती हैं, प्लस क्राउड, अभी कलकत्ता में मैच था तो दे वर ऑल सपोर्टिंग बाबर आजम एंड दे वर वेरी गुड। बहरहाल, अब खेल के मैदान से सियासत के मैदान का रुख कर लेते हैं, तो बताइए जी सियासत के मैदान में इलेक्शंस की बसात कब लगती है आपको दिखाई दे रही है, कुछ मुस्तकबिल करीब में इम्कानात हैं? नहीं सती साहब, मैं तो ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं, आप सबको पता है मेरा, मैं तो उम्मीद, वो कहते हैं ना कि वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं,
कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, तो नाउमीद तो नहीं हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो उतने उम्मीद अफजा जो है वो नहीं है। यानी कि अभी आप ये देख लें कि इलेक्शन एक तरह से आने वाले हैं, सर पे हैं, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है वो इस वक्त एक मखमसे का शिकार कर दी गई है। हमारे लीडर जो मुल्क के सबसे अच्छा। बड़े लीडर हैं, और मैं ये नहीं कहता कि उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा उनका एक नाम है, एक किरदार है। जिस तरह से वो फेस कर रहे हैं और जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, जिस तरह बहुत बड़े कोई दहशत गर्दों का होता है, सीक्रेट तरह से वो ट्रायल हो रहा है, मीडिया आप जैसे लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे, हम जैसे लोगों को अभी, मैं पॉलिटिकल जो हमारी कोर कमेटी है, मैं उसका जो एक मेंबर हूं, हमें अभी तक मौका नहीं मिल सका अपने लीडर के पास जाने का, और हमारे कोई जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अच्छा। हैं उस पर भी पाबंदी है, कन्वेंशन करना, जलसे जुलूस करना, इन चीजों में मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए, खासकर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एनेबलिंग एनवायरमेंट बनाए ताकि ये पॉलिटिकल माहौल कोई इलेक्शन वाला लगे तो सही ना। इस वक्त तो हम पे नो बॉल हो रही है। अच्छा, इनेबलिंग एनवायरमेंट बनाने के लिए एक चीज जरूरी है ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, यानी कि ये कहना कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और इलेक्शन की तारीख देना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब तक ये जो तारीख बिलखसूस वो दिन सामने नहीं आ सका जिस दिन इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात, तो उस हवाले से आपके भी क्या कोई खदशात हैं? जी क्यों नहीं, खदशात तो बिल्कुल हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली का टाइम लिमिट पूरा हो गया है, और मुझे नहीं पता इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आजम खान साहब जो हमारे वहां वजीर आला हैं पख्तूनख्वा के, और इस तरफ नकवी साहब, ये आईन की किस शिक के तहत और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉजेस से पार डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि 90 डेज लिमिट तो कब की क्रॉस हो गई है। तो ये चीजें देखें, आईन पाकिस्तान पे अमल हम सब ने करना है, इसी में सबकी खैर। तो एक तो वो चीज जो टाइम लिमिट क्रॉस हुई है, फिर जो कौमी असम्बली का है वो भी आपका तकरीबन वो टाइम खत्म ही समझें। तो इन हालात में शकूक व शुबात तो हैं, लेकिन जो एक सवाल बहुत बड़ा है कि क्या सिर्फ इलेक्शन होना काफी है, या सिर्फ ये कह देना कि फ्री एंड फेयर है, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन वाले दिन अगर धांधली नहीं होती वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो माहौल है, मैं दोबारा अपनी जमात की बात करूंगा क्योंकि मैंने इसको अपनी जवानी के 10-12 साल दिए हैं। जिस टाइम लोग मिलियनियर बने, हमने अपना वक्त मुल्क के लिए चेयरमैन साहब के साथ मिलकर इसको लगाया, और उस जगह पे अल्लाह की मदद से और अवाम की ताकत से, अवाम की दुआओं से पहुंचा कि एक जमात जिसको कोई कुछ नहीं समझता था, और वो जमात मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एजुकेटेड लड़के लड़कियों की मेहनत से ये किधर पहुंचा, मरकज में हुकूमत बना दी, सेनेट में आपका चेयरमैन हमारी उससे बना, आपकी जी बिल्कुल, आपके बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का बहुत अहम हसास सूबा है वहां हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, पंजाब में हमारी वजीर आला आ गया, सिंध में जिसमें कोई सोच नहीं सकता था, देखें मियां साहब ने कितने अरसे तक सियासत की है, मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, 4 बार उनकी जमात से वजीर आजम बने, लेकिन वो वहां उस मकाम तक नहीं पहुंच सके। पहली जस्ट में हम वहां अपोजिशन लीडर, और ऑफकोर्स खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफा, फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर कश्मीर में हमारी हुकूमत, तो ये कोई हवा में तो नहीं बनी, पीछे अवाम की ताकत थी ना, अवाम की मोहब्बत थी, चाय के ढाबे पे, कोई नाई की दुकान पे, कोई रोटी के उस पे, छोटे से होटल पे, ट्रक होटल में, कोई बाजार में, यहाँ पे वो लोग हमारे साथ थे तो हम आगे बढ़े। अब आपकी सूरत हाल क्या है, आज इस वक्त तरीके इंसाफ वाइप आउट जो है वो की जा रही है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मैं दोबारा ये बात करूंगा, वाइप आउट की से मुराद आपकी क्या है, क्या आप लोग जाहिर है कि जलसे वगैरह जो होते हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, जो तैयारियां होती हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं इस हवाले से, कोई प्लान कर रहे हैं, कोई जलसा, अगर जलसा प्लान कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर पाबंदी कोई हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अब तक कोई पाबंदी नहीं लगाई आप पे, आपकी जमात पे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन सौतेली माँ की तरह हमें इस तरह देख रही है और उसके कहां पे जू नहीं रेंग रही, क्योंकि एक तरफ मियां साहब लाहौर में इतना बड़ा जलसा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, अच्छा जलसा था, उससे बहुत बड़े हम कर चुके हैं और हमसे बहुत बड़ा बेनजीर शहीद कर चुकी थी, लेकिन एक अच्छा जलसा था, लेकिन उसी दिनों में हमारे लड़के जो हमारे हैं वर्कर हैं वो बेचारे जाके एक हल्के का और यूसी हल्के का इलेक्शन, उससे भी जो है वो लोग इतना डर गए। नकवी साहब ने कहा कि पता नहीं क्या कौन जलसा करो, भाई तहरीक इंसाफ का यूसी और हल्के का इलेक्शन है तो आप वहां पे जलसा है, आप उसकी इजाजत नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ एक जमात को इतना प्रोटोकॉल है कि उसके लीडर जो हैं वो हालांकि मफरूर थे और वापस आए, उनको बायोमेट्रिक्स एयरपोर्ट पे दी जा रही है, जबकि हमारा लीडर जो है
जख्मी हालत में उसको मजबूर किया गया कि आएं और वहां से जिस तरीके से हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए, फिर जिस तरह से सरकारी लोगों ने उनको सबसे अच्छी बात यह है हम ये कह रहे हैं बैलेंस हो, बैलेंस हो, सबको इक्वल 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 ग्राउंड मिले, इक्वल ग्राउंड, कोई फेवर नहीं चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, आप एक चीज बड़ी अच्छी करते हैं, आप अक्सर बात यह करते हैं कि आप ये कहते हैं कि सीखना चाहिए, यानी कि अपनी गलतियों से भी, और अगर आपकी जमात से भी कोई गलतियां होती हैं तो आप यू आर वन ऑफ द पीपल जो कि एक्सेप्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। यही खदशात, यही शिकवे दूसरी जमातों को भी हुआ करते थे, लेकिन वो वक्त चेंज हो जाता है, पहले जो शिकवा करने वाले थे अब उनकी चीजें सॉर्ट हो रही हैं। इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंतखाबी इत्तेहाद के मामले पे कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मुलाकातें, कुछ अहम डिस्कशंस होने जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस, ऐसा है कुछ? देखिए सती साहब, इस वक्त जो हालात हैं उसमें फ्री एंड फेयर आजाद शफाफ इलेक्शन के एक नुक्ते पे हमारी जमात जो है एंगेज कर रही है मुख्तलिफ जमातों से, लेकिन उसमें इल्हाक की बात कोई नहीं है सियासी कोलिशन की, क्योंकि इमरान खान साहब ने उसके बारे में कोई हुक्म अभी तक नहीं दिया, और जाहिर है चेयरमैन साहब के हुक्म और उनकी इजाजत के बगैर आप इलेक्शन अलायंस की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन पॉलिटिकल जमातें आपस में इलेक्शन पे जरूर बात कर सकती हैं, और हमने की है कुछ स्टेक होल्डर से, दुरानी साहब आए हमारे पास, जैसे जेयूआई से आपकी जो मुलाकात हुई थी असद साहब, सोलंकी साहब आए, उसके ऊपर आपकी पार्टी क्यादत का कोई रिएक्शन सामने आया है? कौन सी मुलाकात पे? मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो असद कैसर साहब की मुलाकात हुई थी, तो इसकी तस्वीरें वगैरह भी जा रही हैं, उसके बाद एक दो दफा आपकी भी हुई थी, डिस्कस हुआ है जी, तफसील से डिस्कस हुआ है कोर कमेटी में, और चूंकि वो सिर्फ ताजियत का था तो उस पर ताजियत तक ही था, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल डिस्कशन तो नहीं थी, और कोलिशन की बात तो जाहिर जब इमरान खान साहब हुक्म करेंगे उसके बाद ही किसी जमात से होगी। मेरी अपनी जाती राय यह है, अभी उस पर खान साहब की डायरेक्शन नहीं आई, लेकिन मेरी अपनी जाती राय यह है क्योंकि खान साहब के साथ इतने सालों से हूं मैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उन जमातों से अलायंस करना चाहेंगे जो पाकिस्तान में बड़ी जमातें तीन चार बार हुकूमतें कर चुकी हैं, क्योंकि आज जो पाकिस्तान की ये हालत है तो उनमें तो उन जमातों का बड़ा रोल है। स्टील मिल की तबाही देख लें, PIA की तबाही देख लें, रेलवे की तबाही देख लें, मेरिट की तबाही देख लें, मुल्क का खजाना खाली होना, ये सारा कुछ तो पीपल्स पार्टी ने चार बार हुकूमत की, नून लीग ने चार बार हुकूमत की, मरकज की बात कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब शायद उस तरफ जाएं, और वैसे भी तो फिर इस तरह से तो फिर इत्तेहाद के या फिर कोई सियासी इत्तेहाद जो मुस्तकबिल में बनने जा रहा हो उसके इम्कानात तो फिर खत्म हो जाते हैं, फिर तो एक IPP ही रह जाती है, बाकी और कौन सी जमात रह जाएगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी तो इक्वेशन से आउट हो जाती हैं अगर आप ये कह रहे हैं कि जो लोग पहले बारियां ले चुके हैं। देखें अब तो खान साहब ने उसका फिर आखिरी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुल्क को ठीक करना है तो फिर PTI बनाने की जरूरत क्या थी? वो ठीक थे फिर, हम तो इसलिए आए कि जो मुल्क में करप्शन हुई है, तबाही हुई है, मेरिट के खिलाफ लोग गए हैं, अकाउंटेबिलिटी का निजाम तबाह बर्बाद हुआ है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसकी क्या इज्जत रह गई है, रुपया आपका किधर रह गया है, रुपये की क्या कीमत है, आज अफगानी जो है वो भी हमसे ऊपर चला गया है, बांग्लादेश का टका भी शायद हमसे ऊपर चला गया है, तो हमने तो नहीं किया, इन जमातों ने किया, लेकिन अलायंस या इलेक्शन के हवाले से अगर खान साहब कोई हुक्म करते हैं, पार्टी की कोई पॉलिसी आती है, फिर जाहिर है फिर आपने पार्टी पॉलिसी के साथ जाना होता है, लेकिन एक कुछ जमातें ऐसी जरूर हैं जिनके साथ हमने माजी में अलायंस किया, खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ किया, हकानी साहब की जमात जो है उनके साथ किया, कूड़ा खटक वालों के साथ, तो अगर कोई हमने MQM के साथ किया जो हमारी तरह मिडिल क्लास की जमात है, अल्ताफ फैक्टर के आउट होने के बाद जब गन कल्चर खत्म हुआ है, बोरी बंद वाला जो लाशों का कल्चर था उसके बाद तो वो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास लोगों की जमात रह गई है, उनके साथ हमने किया है मरकज में कुछ 3.5 साल रहे, हालांकि फिर वो एक तरह से सैड एंडिंग उसको कह लें, लेकिन जितना अरसा हमारे साथ रहे, मैं चूंकि काबीना में हमारे साथ होते थे, मैं आपको दिल की बात बताऊं, बड़ा वो पढ़े लिखे और काम को समझने वाले लोग हमारे साथ थे, लेकिन जाहिर है अब वो तो खान साहब ने फैसला करना है कि MQM के साथ जाना है या किसके साथ। बाकी आपने IPP की बात की या कोई पश्तूनख्वा में अगर हमारी जमात के कुछ, लेकिन आप ये देख लें कि उनकी जमात से भी एक ही बंदा जो कि मुल्क से बाहर होता था, उनके कायद जो मुल्क से बाहर होते थे वही मंजर आम से हटे हैं, तो बाकी सबको शर्फ़ कबूलियत आपने बख्श दिया। हालांकि पहले तो आपके कायद के बयानात, जो पार्टी सरबराह के बयानात उनके बारे में और पूरी जमात से मुतालिक के मुख्तलिफ थे, तो ये तो तरजीहात तो चेंज होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सती साहब, इस पर मैं आपके कर्ज करूं, देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, गलतियां सबसे हो सकती हैं, लेकिन अगर एक जमात गलती तस्लीम करके बेहतरी की तरफ जा रही है, आप 2018 की बात ना करें, 2018 तो बड़े बाद की बात है, मैं आपको निकाल के वो बता दूंगा
2017 में शायद बानी MQM जब वो उनका एक बयान आया था और उसके बाद वो कट आउट हो गए थे और वो बैन हो गए थे उसके 2016 बाद में पहले लोगों में से था 2016 पहले लोगों में से था। उस वक्त हमारी अलायंस का भी कोई पता नहीं लग रहा था कि अलायंस होगा, 18 में कोई इलेक्शन होगा, हम उसमें जीतेंगे या नहीं। मैंने उस जमाने में ये बात की थी कि अगर वो अपने गन कल्चर से और जो बंदूक का कल्चर है और बोरी बंद कल्चर है उन चीजों से ये जमात दूर होना चाह रही है तो हमें उसको एंगेज करना चाहिए कि ठीक है आप आए, आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आप जो है सेंटर में आके आप एमलगमेट हो सिस्टम के अंदर और वो ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट कि somebody wants to learn from their mistakes, they should be given a chance, ठीक है उनको मौका मिलना चाहिए। अब जरा मुझे ये बताइए कि कुछ भी हुकूमतें चेंज हो रही है, हुकूमतें चेंज होती हैं फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ गया, सारा कुछ हो गया, हमने देखा कि काफी इंटरवेंशन की वजह से अब ये है कि डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन एक जगह आके रुक गया है। अभी भी पेट्रोलियम प्राइसेस से लेके जो कमोडिटी प्राइसेस हैं या ओवरऑल अभी गैस की कीमतों में आपने देखा होगा कि जो होशुबा इजाफा हुआ है, पहले फिक्स चार्जेस 10 रुपए थे अब जो है वो 400 रुपए हो गए हैं, जो बिल्स जिस तरह के आ रहे हैं, कोई भी जमात आपको लगता है कि कामयाबी हासिल करती है तो क्या वो आते ही आवाम को रिलीफ दे पाएगी? देखिए एक तो ये जो अभी हुआ है मैं अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने भी किया है, उसमें हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनका भी जिक्र आता है और मौजूदा जो हुकूमत है, लेकिन देखिए मेकशिफ्ट में तो उनकी एक एफर्ट हो सकती है वो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन असल में मसाले का हल ये नहीं है। मसाले का हल है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो फिर डिलीवर करे और वो फौरी नहीं होगा। आई थिंक इट टेक सम टाइम, जिस तरह हमें टाइम लगा। देखें इमरान खान साहब को मैंने देखा कि वो सबसे ज्यादा वक्त मीशत पे लगाते थे और वजीर आजम का कोई नहीं काम होता कि वो खुद जो है हर रोज हर हफ्ते 3-4 मीटिंग्स वो करे, क्योंकि वो तो फाइनेंस का आदमी नहीं होता, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। फाइनेंस मिनिस्टर को बैठा के, स्टेट बैंक के गवर्नर को और सारे जो उसके मीशत के लोग थे उनको बैठा के सारा वो खुद करते थे और आखिर में जाके वो फ्रूट्स हमें मिलना शुरू हुई। खान साहब ने जो मेहनत की थी और शौकत तरीन साहब को इसमें ना बोले उनका भी एक रोल था कि आखिर में जब हम उतारा जा रहा था तो 5.5-6 की GDP की तरफ हम जा रहे थे। और मत बोले कि कोरोना के दौरान जब दुनिया बंद हो रही थी लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है अली मोहम्मद खान साहब जो नंबर्स की बात होती है तो जी जी एक तो GDP होती है ना, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि GDP तो ये है कि सरमायादार कितनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सरमायादार के नीचे जो लोग हैं, जो लोग उसके पास काम कर रहे हैं, उनकी तरक्की का पैमाना क्या है, वो CPI से और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से उसका पता चलता है, वो एक डिफरेंट उसका एक इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। मुझे ये बताइए कि ये जो आप बात कर रहे हैं मईशत में बेहतरी के, डू यू मुझे आप बुलाइएगा, मुझे ये लगता है कि तजुर्बात मईशत के साथ अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन 2-3 नुक्ते मेरे ले लें। देखें फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे, अच्छा मुझे सवाल अपना करने दे फिर उसके बाद उसके अंदर आप थोड़ा तफसीली तौर पर बात कर लीजिएगा। मुझे एक बात बताइए कि जो गवर्नमेंट्स पहले बना करती थी, मिसाल के तौर पर अमेरिका, बर्तानिया इधर उधर तस्करा करते हैं, वहां पर शेडो गवर्नमेंट्स काम कर रही होती हैं, शेडो कैबिनेट्स बनी होती हैं, उनकी तैयारियां होती हैं। आपकी जमात को इतने अरसे बाद हुकूमत में आने का मौका मिला और उस वक्त बताया गया जी कि असद उमर इज द पर्सन जिसके पास हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन उसके बाद देखें आपने भी आते साथ 4-5 अपने वज़रा बदले, यानी कि एक से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, फिर दूसरे, दूसरे से नहीं हुई, फिर तीसरे, तीसरे से नहीं, फिर चौथे, फिर पांचवे, फिर उसके बाद PDM आती है, वो पहले मिफ्ता साहब और फिर इसहाक डार साहब, और आप देखें कि वहां पर हुआ वही जो कि IMF ने चाहा। तो लग ये रहा है, एक आवाम को ये एक इंप्रेशन जा रहा है कि नोबडी हैज द सॉल्यूशन। लेकिन सतीश साहब, आई टोटली डिसएग्री विद यू। द रीजन इज के सबसे पहली बात, पाकिस्तान की ये जो हालत हुई है, एक तो ये सारे कौम इस बात को अपने जहन में बैठा लें कि ये सिर्फ सियासतदानों की नाकामी नहीं थी। 1947 से लेके 2023 तक, जिस अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, आज 1 नवंबर 2023 है, इसमें जितनी हुकूमतें सिविलियंस ने की हैं उतनी ही मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी आई, और जब सिविलियन हुकूमतें आई हैं वो कितनी आजाद थी वो आपको भी पता है और सबको पता है, ठीक है जी। और उसके साथ जो सिविलियन गवर्नमेंट्स में लोग आए उन्होंने जितना माल बनाया वो एक अलहदा चल के सियासत में आने से पहले उनकी फैक्ट्रियां कितनी थी और फिर क्या हुआ, और आने से पहले उनके असासी कितने थे और क्या हुआ, किसी के एवन फील्ड हैं, किसी के स्विस अकाउंट्स हैं, किसी के सरे महल, वो भी एक कहानी कि सियासतदानों ने भी कुछ नहीं छोड़ा। मैं ये बात तो हो चुकी है। मैं सिर्फ आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूं, आप ये कहते हैं आगे क्या कोई हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है।
सुने ना सुने, एक मिनट एक मिनट। नहीं मैं सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आ रहा है पीडीएम की 12 रुकनी जो गवर्नमेंट थी जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी भी शामिल थे उनके पास भी सोल्यूशन नहीं नजर आया। तफसीली सवाल किया, थोड़ा आप जवाब देने का मुझे मौका दीजिए ना। सवाल किया तो काउंटर क्वेश्चन से पहले मुझे पहले अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने दें। मैं माजी की नहीं मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ अली भाई। ठीक है जी, मैं अर्ज करूँ, मैं इस तासर को रद्द करना चाहता हूँ कि अगर अवाम में कोई ऐसी मायूसी फैल रही है, कोई मायूसी की बात नहीं है। जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी अवाम के वोट से आएगी, अवाम के मैंडेट से आएगी, अवाम उनके साथ मुश्किल फैसलों में खड़ी होगी। इस वक्त देखें कादर साहब की हुकूमत है, बसत एहतराम, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस वक्त जो भी वो फैसले ले रहे हैं वो उनके फैसले तो हो सकते हैं, अवाम के नहीं है, क्योंकि अवाम का मैंडेट इस हुकूमत के पास नहीं है। जो हुकूमत आएगी वो जब सख्त फैसले लेगी तो अवाम उनके साथ इसलिए खड़ी होगी कि अवाम ने वोट दिया होगा। बाकी एक बात अपनी मैं जरूर करना चाहूंगा अपनी जमात की, हमें ये कहा गया, ताना दिया गया कि आपके पास ये नहीं था, आपके पास प्लान नहीं था, असद उमर साहब की बात हुई, ये हुआ वो हुआ। पहली बात तो ये है, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट मुखातिब करके बात करना चाह रहा हूं कि उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे बात की कि मेरे दौर में ये था, आपके दौर में, आपके दौर में पाकिस्तान कोरिया बन गया था या जो है आपके दौर में जापान बन गया था, मैं एक्सेप्ट करता हूं बन गया था। फिर आप मुझे ये बताएं कि इतना अगर खजाना भरा हुआ था तो हुकूमत के आने के पहले महीने में हमें आईएमएफ के पास जाने की बातें क्यों सुननी पड़ी? इसका मतलब है कि खजाना खाली पड़ा हुआ था जब हम आए। और आप ये देखिए कि असद उमर चेंज हुए, बिल्कुल हुए, शेख साहब आए वो भी चेंज हुए, असल में शख्सियात अहम नहीं है, मुल्क अहम है। आखिर में शौकत साहब आए, उन्होंने भी एफर्ट किया, शेख साहब ने भी किया था, असद भाई ने भी किया था। अब आखिरी बात देखें, पूरी दुनिया कोविड में बंद हुई, जर्मनी जो मायाशी इंजन है यूरोप का नेगेटिव में गया, हिंदुस्तान नेगेटिव में गया, आपका जो है जापान नेगेटिव में गया, अमेरिका नेगेटिव में गया, आपका मुल्क क्यों 3 की जीडीपी पे जा रहा था? पॉलिसी थी ना इमरान खान साहब की, स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दिया, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली रही, 3 की जीडीपी पे पाकिस्तान चल रहा था जब दुनिया नेगेटिव में थी, और जब उतारा जा रहा था हम 6 को टच कर रहे थे, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे थे, आपकी एग्रीकल्चर हमारे उतारने से एक साल पहले आपने सबसे बम्पर क्रॉप ली थी एग्रीकल्चर में। उसके साथ साथ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमेशा पंजाब खासकर फैसलाबाद ने मियां साहब पे हमेशा एतमाद किया, उनको वोट दिया था, लेकिन उन्होंने क्या दिया, सारी पावर लूम्स बंद हो गई। हमारे दौर में 50,000 के करीब आपकी जो पावर लूम्स थी, सारी इंडस्ट्री आपकी ओपन होना शुरू हुई, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री चलना शुरू हुई, सबसे इंपॉर्टेंट आईटी इंडस्ट्री, नई नई कंपनीज, और साथ आपकी जो मोटर इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई थी, इंटरनेशनल ब्रांड्स आने शुरू हो गए थे। जाहिर है ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होंगे, और मैं आपसे ये कह रहा था कि आगे के लिए सोल्यूशन क्या हमारे पास है। आपने कहा है आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो वो करेगी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे आखिरी ये है कि क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गए थे जो चाहते थे या जो जमातें चाहती थीं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रॉपर तरीके से हों ताकि इलेक्शन की शफाफियत पर कोई सवाल ना उठा सके, तो क्या वो प्रोसेस हो गया? और अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो जो इंतखाबी नतायज आएंगे तो क्या आप समेत दीगर जमातें कबूल करेंगी उनको? सती साहब, अगर आजाद शफाफ इलेक्शन होगा क्यों नहीं कबूल करेंगे, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल होगी जैसे अभी है कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जो है वो गद्दारी के मुकदमे आपने अंदर किया हुआ है। यार एक मुझे बात बताएं, सच्ची बात बताएं, दिल पे हाथ रख के आप बात बताएं, इमरान खान जो है या शाह महमूद कुरैशी, कुरैशी साहब जैसे सियासतदान, ये खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कई गद्दार है क्या इस तरह के लोग? मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ ना इमरान खान गद्दार हो सकते हैं, ना जरदारी साहब, ना मियां साहब, ना मैं, ना आप, हम सब मुहब्बे वतन है। बात पॉलिसीज की है कि किसकी पॉलिसीज अच्छी है। आए बात करें, इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालें, एक दूसरे को गद्दार गद्दार ना कहें, इलेक्शन की तरफ जाए, माहौल बनाएं और इख्तियार दें कि वो जाके मुल्क के लिए मजबूत फैसले करें, और उसके साथ फिर मुल्क की तमाम ताकतें खड़ी हैं। बिल्कुल, इख्तियार तो फिर अवाम देंगे और फिर नतायज जो हैं वो क्या आते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके लिए इंतखाबात का वक्त पर होना और साफ और शफाफ होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। तो सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत मुकम्मल हो गई और सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है कि यह मामला जेर समाअत रहा, उसको देखा गया, और क्या उसके अंदर अब आज की समाअत में क्या कुछ हुआ और आगे क्या हो सकता है, और जाहिर है इंक्वायरी कमेटी पर जिस तरह से डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया और एक इंक्वायरी कमीशन के हवाले से बात की गई, तो तमाम तर सूरत हाल पर केस कहां तक पहुंचा है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब। थैंक यू सो मच हाफिज साहब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जरा बताइएगा कि ये बेसिकली
हुआ क्या है? ये जो नजर सानी की दरख्वास्तें पहले दी गई थी, फिर वो दरख्वास्तें वापस ले ली गई, तो इस वक्त केस का जो है वो अमल दरामद जो केस है उसका स्टेटस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सती साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस सारे कॉन्टेक्स्ट का तो आपको पता है कि ये बैकग्राउंड है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस ने एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स की और ये केस जो है साल से ज्यादा चलता रहा और उसके बाद फाइनली जाके इसके ऊपर एक जजमेंट्स आई और उस जजमेंट्स के ऊपर सर्टन डायरेक्शंस थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दी। उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी शामिल थी, उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे पैमरा शामिल थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि कुछ लोग जो इस केस के अंदर पार्टी नहीं थे उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिव्यू फाइल की है। उसमें एमक्यूएम भी थी, पीटीआई भी थी, उसके बाद शेख रशीद साहब की पार्टी भी थी, उसके बाद एजाजुल हक साहब भी उसके अंदर आए थे। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने रिव्यू फाइल किए और उसके बाद जब से ये रिव्यू फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दो जो जजेस थे चीफ जस्टिसेस वो भी गए, उनके दौर के अंदर भी ये केस फिक्स नहीं हुआ। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब केस फिक्स हुआ पिछले माह के अंदर, तो उसके अंदर जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे या उसके बाद जो प्राइवेट लोग भी थे और इवन गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने ये अंदिया दिया कि हम इन रिव्यू को वापस लेना चाहते हैं। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टाइम दिया, आज उसके ऊपर हेयरिंग थी और उस हेयरिंग के अंदर जो है वो आपने देखा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि हमें इजाजत दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के ने उनकी कुछ इजाजत को एक्सेप्ट करते हुए उनके रिव्यू को अलाउ किया कि आप उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर है वो ये थी। अच्छा, क्योंकि अब हुआ ये है कि पीटीआई और एमकेएम की दरख्वास्तें वापस हो गई हैं, शेख रशीद अहमद साहब को नोटिस दिया गया है और बाकी जो है वो इसके अलावा वजारत दिफा और आईबी का भी यही मामला है, तो अब ये केस आगे क्या होगा? क्योंकि उसके अंदर फिर साबिक चेयरमैन पैम्बरा का भी एक बयान नहीं, सामने वो इसलिए हुआ ना जी कि शेख रशीद साहब की हद तक ये था, ये शेख रशीद साहब की हद तक ये था कि एओआर ने कहा कि मेरा उनसे कॉन्टेक्ट नहीं है, तो वो उस कॉन्टेक्ट के अंदर था। अगर वो आज मौजूद होते तो जिस तरह दोनों की विदड्रॉ हुई है इस तरह उनकी भी विदड्रॉ हो जानी थी। और जहां तक बात यह है कि अटर्नी जनरल ऑफिस ने यह कहा या अटर्नी जनरल ने यह कहा कि हम इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं जो बनाई भी गई और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका जो मैंडेट है वो ज्यादा आना चाहिए और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने कहा कि कमीशन की जो प्रपोजल्स है और अटर्नी जनरल मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो भी कमीशन के मुतालिक एक फैसला है फेडरल गवर्नमेंट का वो सुप्रीम कोर्ट को कन्वे करेंगे। तो अब ये है कि इस वक्त स्टेटस ये है कि जो कमेटी बनी थी जिसका इजलास हुआ था वो अब समझें कि उसके कोई मायने नहीं रहे, अब कोई कमीशन बनेगा इस हवाले से। आज की सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बाद या अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के स्टैंस के बाद या जो आज के ऑर्डर के बाद ये है, मेरा ख्याल है कि जो नया जुडिशियल कमीशन है वही इस चीज को प्रोसेस करेगा और एक सारों को बुलाएगा और जिसके अंदर आज जो फॉर्मर चेयरमैन पैमरा भी गए हुए थे और उसके अंदर भी उन्होंने कहा और जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा थे उन्हें भी चीफ जस्टिस साहब ने यंदिया दिया था कि अगर आप कमीशन को आपको बुलाएगा तो आपने जो भी कहना है वहां पे जाके कहें। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंडिया जो है वो जुडिशियल कमीशन की तरफ किया है और जुडिशियल कमीशन जो है वो कायम करना फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है और उसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खुद भी कायम कर सकती है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कह सकती है कि आप कमीशन के लिए नाम दें, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और वो कमीशन जो है उसके आज की बात उसके बॉर्ड भी जो है वो टीओआर बनने चाहिए और वो टीओआर के मुताबिक एक रिपोर्ट जो बनेगी वो वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और मामला है जिस पर मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा हमारी रहनुमाई करें, वो है मिलिट्री कोर्ट्स का मामला। उसके हवाले से डिसीजन आ चुका है लेकिन अब मामला है रिव्यू का, तो ये हुकूमत अब रिव्यू करने जा रही है, फिर कुछ सुनने में ये आ रहा था कि अपील भी करने जा रहे हैं, तो इस वक्त ऑप्शंस क्या कानूनी लिहाज से अवेलेबल हैं? सती साहब, इसमें यह है कि जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है और उसको और उसकी जो प्रोमल्गेशन डेट है वो बनती है 20 अप्रैल 2023 की। अब उसके अंदर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो जब लॉ बना भी नहीं था तो उसको प्रोस्पेक्टिवली उसके ऑपरेशन को सस्पेंड किया और उसके बाद दो उसके ऊपर हेयरिंग्स भी हुई और उन हेयरिंग्स के बाद जो है फाइनली जो है वो जब ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए तो उन्होंने उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाया और फुल कोर्ट ने 10-5 से जो है वो जो आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया है
उसको उन्होंने वैलिडेट कहा। अब जब वैलिडेट आ गया तो उसके अंदर जो एक रिट्रोस्पेक्टिविटी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि इसकी जो रिट्रोस्पेक्टिविटी है उसकी फ्रॉम द डे ऑफ प्रोमलगेशन आएगी, और फ्रॉम द डे ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब यह है 20 अप्रैल 2023। अब अगर 2023 से काउंट किया जाए तो 1843 के जितने भी फैसले 20 अप्रैल 2023 के बाद आए हैं उनके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा, और जब वो अप्लाई करेगा तो उसके अंदर ये है कि 30 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करना होगी और 30 दिन के बाद 14 दिन के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो हैं एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो लार्जर बेंच होगा, और उसके अंदर ये जजी साहबान जो है वो शामिल नहीं होंगे, और उसके बाद जो है 14 दिन के बाद एक हेयरिंग होगी और रिव्यू में, हालांकि सेम जजेस होते हैं और इसमें आप कह रहे हैं कि अलग से एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। जी, जो लॉ पहले नहीं था, जो लॉ पहले नहीं था उसके मुताबिक तो आर्टिकल 188 के नीचे जो था वो आपको रिव्यू फाइल करना है, तो रिव्यू के लिए ना आप लॉयर चेंज कर सकते हैं और उसके स्कोप भी बड़ा लिमिटेड है और जजी साहबान भी वही है। अब इसके अंदर ये है कि स्कोप बढ़ गया, इसके आप लॉयर्स भी चेंज कर सकते हैं, तमाम पॉइंट्स पे भी बात की जा सकती है, और उसके बाद ये है कि एक लार्जर बेंच आएगा जो 5 जजेस से ज्यादा होगा और जिसमें ये जजेस शामिल नहीं होगा, इसमें 6, 7, 8, 9 या 10 हैं, ये चीफ जस्टिस साहब की या वो जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के 1+2 वो इस चीज को डिसाइड करी और उसके बाद जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो फैसला आएगा। जी चले चलें जी, थैंक यू सो मच हाफिज एहसान अहमद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पर हमें ये समझाया और एलिब्रेट किया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आज के मैच के हवाले से बात करेंगे जो कि इस वक्त जारी है, हमारा नहीं है लेकिन हमारा इंटरेस्ट सारा उसमें है, और पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप में चांसेस पर भी कुछ बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम के आखिर में तस्करा खेल का कि आखिर अभी आपने मैच देखा होगा कि न्यूजीलैंड किस तरीके से उसको शिकस्त हुई और 167 रन्स पर उनकी इनिंग्स तमाम हुई, टारगेट जो है वो 358 का था, और बड़ा ही मतलब आप ये सोचिए कि इतना अजीब सा, इतना अपने आप को गिल्टी में फील कर रहा था कि यहाँ पर हम बैठ के और इससे हटके पूरा दिन हम दुआएं करते रहे कि जी न्यूजीलैंड हार जाए, यानी कि अगर हमने कोशिश की होती, हमारी टीम ने शुरू से अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज ये नौबत ना आती कि हम दूसरी टीम के हारने की दुआएं कर रहे होते और फिर इफ्स एंड बट्स का पूरा एक मैकेनिज्म, पूरा कैलकुलेटर लेके हाथ में बैठे होते तो ऐसा ना होता। तो कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कामी भाई, ये जरा बताएं कि मैच तो चले न्यूजीलैंड हार गया और आसार भी नजर आ रहे थे, लेकिन ये इन्होंने किया क्या? मैं आपको भी देख रहा था ट्रांसमिशन में, यू वर सेइंग कि ये कुछ मुनासिब डिसीजन नहीं था कि आप टॉस जीते और पहले उनको बैटिंग का मौका दिया आपने इस ट्रैक पे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, ये दो बड़ी टीमें हैं और एक दूसरे की वीकनेस पे ये मैच जीता जाता है, क्या वीक पॉइंट है इनका, तो साउथ अफ्रीका को सबको पता है कि चेज करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, वो नेदरलैंड से भी हारे, ऑलमोस्ट पाकिस्तान से भी मैच वो हार गए हुए थे चेज करते हुए 171 ये चेज कर रहे थे, तो ये न्यूजीलैंड टीम ने मुझे लगा वो मैच देखे नहीं है जिसकी वजह से आज डिसीजन उन्होंने पहले बॉलिंग करने का की है, तो अच्छा हमारे लिए अच्छा न्यूजीलैंड टीम ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से उनकी टीम अंडर प्रेशर आई और हमारी टीम को मौका मिल रहा है उठने का और वो टॉप फोर में आने का, और बुरी क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड टीम ने, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, वो बुरी क्रिकेट इसलिए हुई है कि पहले बॉलिंग की है, ये इस बैटिंग लाइनअप को आप मौका देंगे जिनके पास पावर है बैटिंग की, आप देखो चौथा पांचवा छठा और सातवा नंबर इनके पास ऐसा है कि 5 ओवरों में ये 100 भी कर सकते हैं, लास्ट 10 ओवर में ये 150 भी कर सकते हैं, आज इन्होंने जैसे लास्ट 10 ओवर्स में 120 रन बनाए हैं, और कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो इस टूर्नामेंट में आपने देखा होगा सबसे बड़े रन इस टीम ने बनाया, ये इस वर्ल्ड कप में एक ये डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए हैं, ये अपने से टैग उतारने के लिए आए हैं जो चौक करने का अंडर प्रेशर, ये टीमें मौका दे रहे हैं इनको मजीद पॉलिश होने का, बड़ी टीम बनाने का जो आज डिसीजन लिया, और न्यूजीलैंड टीम के प्रॉब्लम भी आई है, इंजरीज की प्रॉब्लम है, केन विलियमसन पहले अनफिट हुआ, आज मैच में मैट हेनरिक अनफिट हो गया, वो भी एक फर्क पड़ा है, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ना था जब आप अंडर लाइट बॉलिंग करते हैं, इस बॉलिंग लाइनअप को ये बैटिंग। अच्छा वैसे एक चीज मुझे ये बताएं कि आज अगर न्यूजीलैंड ना हारता तो फिर तो हमने तो सामान मेरे ख्याल में आधा पैक ही होगा और फिर वापसी ही करनी थी नो मैटर व्हाट, अगले मैचेस जो भी होते हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है कि भले मार्जिन जितना भी बड़ा होता शिकस्त का, लेकिन ये था कि रन रेट अभी भी न्यूजीलैंड का हमसे नीचे नहीं गया और अभी भी उनका पॉजिटिव रन रेट है, वो सूरत में होता है कि अगर हम लोग 25 ओवर्स में वो लास्ट मैच में चेज कर लेते तो फिर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती, तो अभी रन रेट आपने जाहिर देखा होगा तो थोड़ा पॉइंट्स टेबल पे क्या फर्क क्या पड़ा है।
देखिए फर्क रन रेट पे इतना नहीं पड़ा, लेकिन एक प्रेशर न्यूजीलैंड टीम पे आया है। और जो आपने बात की, अब क्या कहना, काफी हम लोगों ने बात की है क्या प्लानिंग होनी चाहिए अच्छी क्रिकेट, हम लोग आपने जैसे इंट्रो में बताया हम कब तक ऐसे चलते रहेंगे, दुआओं पे कैसे कब तक चलेंगे, 92 से लेके अब तक चल ही रहे हैं, दुआओं पे चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एज अ टीम एज अ नेशन कब उठना है, अपनी मेहनत पे कब आना है। सिर्फ अल्लाह ही जब भी आए तो अल्लाह ही मदद करे हमारी, अभी भी अल्लाह ही मदद कर रहा है, रास्ता बना रहा है, लेकिन हम लोगों को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। इतना अरसा हो गया, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हम लोग, हर चीज है, फैसिलिटी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं हम लोग उठा रहे। अच्छा मैं एक चीज सोच रहा था कामी भाई, आपकी भी नजर से गुजरा होगा जोनाथन ट्रॉट जो कि अफगानिस्तान के कोच हैं, उनका किस तरीके से वो एक पूरा हिसाब किताब लेके चल रहे होते हैं, 10 ओवर में इतना स्कोर, ये आई एम श्योर कि वो रन रेट्स वगैरह भी देखते होंगे। तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये चीजें की जा सके, बंदे तो हमारे पास बड़े हैं, तो इस सोच के साथ इस अप्रोच के साथ, और अगर लेट से के जिस तरह से विराट कोहली भी यही कहते हैं, बाबर आजम भी जाहिर है कि कन्वेंशनल बैट्समैन है, तो इस वक्त किसी और को भेज देते अपनी जगह जो थोड़ा हिटिंग वगैरह करके चीजों को सॉर्ट करता। देखिए इशफाक भाई, ये चीजें मेरे ख्याल से ऐसे बेहतर होने वाली नहीं है कि बाबर को नीचे ले आए। बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नंबर वन प्लेयर है, उसने सारी जिंदगी अभी तक और आगे भी उसने नंबर तीन पे ही खेलना है। वो चीज नहीं है कि आप उस मैच में सिर्फ बाबर को नीचे कर लेते हो, मेरे ख्याल से सही आया, लेकिन ये काम हमारे उस टाइम करने वाले जब आपको पता है कि हमारे रास्ते बन रहे हैं, हमने नेट रन रेट लेके चलना, यही प्रॉब्लम हमें 2019 वर्ल्ड कप में भी आई, उसमें भी हम लोगों ने नहीं सीखा, यही मैनेजमेंट थी, ये काम होता है मैनेजमेंट का, कोचिंग स्टाफ का। आप बाबर को या कप्तान को ब्लेम, कप्तान भी थोड़ा होता है क्लेवर होता है, बाबर को भी होना चाहिए, जो आगे जाके मुझे लग रहा है बन जाएगा, लेकिन ये चीजें बहुत जल्दी, अब क्रिकेट इतनी फास्ट होगी, डिसीजन इतने फास्ट लेने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, मैच टू मैच कैसे हमने नेट रन रेट लेके चलना है, तो फिर जाके कामयाबी होती है। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम ही है सारा, सिस्टम से ये चीजें निकलेंगी और अच्छी होंगी तो फिर जाके ऐसे काम होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि आप एक नंबर चेंज कर दे कप्तान का, बाबर का, उसके बाद आप कहें कि नेट रन रेट बेहतर हो जाए। ये तो ओपनर्स को सबसे पहले सोचना चाहिए था, वो जैसे 69 बॉलों पे 61 रन बनाए अब्दुल्ला शफीक ने, वो उसको कुछ 40-45 बॉलों पे बनाने चाहिए थे। वो बांग्लादेश की टीम थी, कोई ऐसा बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, बाउंस नहीं हो रहा था, वो तो खेलता वो आ रहा है। अच्छा, एक और चीज भी है, चले ये आपने बात की ना बैटिंग की, तो वो चले बॉलिंग का भी थोड़ा तस्करा कर लेते हैं ना, कि जिस मैच में बांग्लादेश ने 4.5 की औसत से रन बनाए, 4.75 की औसत से, वहां पर भी उस मैच में भी उसामा मीर को 6 से ज्यादा की औसत से रन पड़े। अब ये ठीक है कि लेग स्पिन बॉलिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन वो जस्टिफाई कर रहा है अपना स्पॉट? नहीं अभी तक तो नहीं कर रहा। देखिए सबने बड़ा शोर मचाया, पूरे पाकिस्तान ने, हम लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि ये आप एशिया कप में कर लेते ये काम, ये उसामा को खिलाना, या उससे पहले आप 6-8 महीने पहले सोचते हैं, आप बैकअप तैयार करते हैं कि वर्ल्ड कप में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, हमारा मेन स्पिनर इंजर्ड हो जाए, उसका बैकअप तैयार हो, आप सडनली उसामा से इतनी उम्मीदें लगाना शुरू कर दें तो फिर वो मेरे ख्याल से वेरी अनफेयर हो जाता उसके साथ। लेकिन ये है कि मेन स्पिनर है, स्पेशलिस्ट है, उसको परफॉर्म करना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ वो 66 रन दे रहा 10 ओवरों में, इट्स मीन के आप अभी भी वो उस चीज को फिल नहीं कर सके जो हम लोग करना चाह रहे हैं, शादाब को भी ड्रॉप करके, शादाब सबसे पुअर हमारा अटैक है इस वक्त स्पिन के हिसाब से। तो बिल्कुल अभी शुक्र करें शाहीन की बॉलिंग अच्छी हो रही है, हारिस रऊफ कमबैक किया उसने, फिर मोहम्मद वसीम जूनियर आया उसने आउट किया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो पास में सीरीज होती है वहां पे बैकअप तैयार किया जाता है। ये सारी टीमें जो टॉप पे हैं उन्होंने ऐसा काम किया तो आज वर्ल्ड कप में वो डोमिनेट कर रहे हैं। केन विलियम्स बैठता तो रविंदर जडेजा, रविंद्र आप देखे कैसे परफॉर्म करता, तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कामरान अकमल साहब फॉर दिस, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सब अपने मेरे ख्याल में दुआओं का सिलसिला जारी रखें जब तक वर्ल्ड कप बाकी है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, अशफाक सत्ती को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।